गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में आपको ये समझाया था, अभी जो लेटर वह हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, आज उसी के बेस पर आपको जो पहली एक एप्लीकेशंस है, तो जो पहली फर्स्ट एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ मैं इसको कैसे लिखेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ये कौन सी एप्लीकेशन है? ये है एप्लीकेशन है अभी फुल फी कंसेशन, यानी फीस माफ़ी से संबंधित है। फुल फी कंसेशन, कंसेशन किसको कहते हैं? कंसेशन क्या होता है? कंसेशन होती है छूट। कंसेशन किसको कहते हैं? छूट को कहते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन अभी राइट एन एप्लीकेशन, भी एक एप्लीकेशन लिखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। और ये एप्लीकेशन किसको लिखनी है? प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखनी है। रिक्वेस्टिंग हिम, और उससे प्रार्थना करनी है टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, यानी वो आपको फीस माफ़ी प्रदान करे। फुल फी कंसेशन का मतलब होता है फीस माफ़ी। अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में क्या दिखाई दे रहा है? स्टार्टिंग में आपको टू दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले जैसे लेटर लिखते थे वहाँ पर, भाई जिसको हम भेज रहे हैं, जिसको एप्लीकेशन भेज रहे हैं, जिसको लेटर भेज रहे हैं, पहले उसका पता लिखा करते थे। तो सबसे पहले टू लिखा करते थे दो, लेकिन आजकल जो है ना इसका ट्रेंड छूट गया है। अब ज़्यादातर जो एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें टू नहीं लिखते, ठीक है, सीधे ही दा से स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले ऐसा लिखा करते थे, लेकिन आजकल इसका यूज़ टू का यूज़ नहीं करते हैं। अगर कर दो तो आपका गलत नहीं होता भाई, अगर कोई बच्चा कर भी देता है तो इससे गलत नहीं होता है। तो टू लगा भी सकते हो और टू को आप छोड़ भी सकते हो। अब ये जो एप्लीकेशन है किसके नाम लिखनी है? द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। इसके बाद है भाई जो स्कूल का नाम है, कोई भी हो सकता है, यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल दे रखे है, इसकी जगह कोई भी स्कूल का नाम हो सकता है, जैसे आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत, यानी कोई भी जैसे जो भी आपका स्कूल है तो आप उसका नाम लिख सकते हो। तो ये यहाँ पर स्कूल के नाम की जगह चेंज हो जाएगा, जैसे आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो जो भी आपका नाम है स्कूल का तो वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसके बाद है भाई आपका एड्रेस, यानी ये स्कूल कहाँ पड़ता है, भाई पानीपत में, सोनीपत में, रोहतक में, जहाँ भी पड़ता है वो एड्रेस आप पानीपत की जगह चेंज कर देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, इसके बाद पानीपत के बाद क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। इसमें जो डेट है ना ये नीचे दे रखी है, आपने नीचे नहीं लिखनी है, आपने डेट पानीपत के बाद लिखनी है। तो आज डेट क्या है? आज 17th जुलाई है भाई। आज कौन सी डेट है? आज 17th जुलाई 2020। तो इस तरह से आप डेट लिखेंगे, तो ये डेट पानीपत के बाद लिखनी है। इसके बाद क्या लिखेंगे? यानी ये जो स्टार्टिंग में, जो आपको स्टार्टिंग में आपको दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग में क्या दिखाई दे रहा है? दा से लेकर के, और ये जो प्रिंसिपल, ये पानीपत है, इसके बाद जो डेट है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इनको कहते हैं हेडिंग, यानी द हेडिंग। ये क्या है आपका? ये हेडिंग है भाई, द हेडिंग, इसको हेडिंग बोलते हैं, ठीक है। हेडिंग का मतलब है भाई ये पत्र जो है किसको लिखा जा रहा है। अब ये पत्र लिखने वाला कौन है, पत्र किसको भेजा जा रहा है, अब इसको ये हेडिंग के अंदर इसका जो पार्ट है, द इनसाइड एड्रेस, द इनसाइड एड्रेस, द इनसाइड एड्रेस, तो ये इनसाइड एड्रेस है भाई, द इनसाइड एड्रेस। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये जैसे कि जो लिखा गया है, सबसे पहले हेडिंग में, हेडिंग में तो खुद का पता आता है, लेकिन यहाँ पर खुद का पता नहीं दे रखा है, ऊपर नहीं दे रखा है भाई, खुद का पता नहीं दे रखा है, लेकिन ये इनसाइड एड्रेस दे रखा है, यानी लेटर किसको लिखा हुआ है? तो लेटर जो है किसको लिखा हुआ है? प्रिंसिपल को लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल पानीपत। तो ये क्या, ये सारा इनसाइड एड्रेस है, हेडिंग इसमें नहीं दे रखा है। उसके बाद भाई पानीपत के बाद डेट आ जाएगी, जैसे कि मैंने लिखा था अभी, तो पानीपत के बाद क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे, यानी यहाँ पर आप आज की डेट दे दें भाई, 17th जुलाई 2020, यानी इस तरह से आप डेट दे देंगे, पानीपत के बाद लिखेंगे। जो पानीपत है ये क्या है? ये जगह का नाम है, तो पानीपत को आप चेंज कर सकते हैं, जिन जहाँ पर आप रहते हैं वो जगह यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे पानीपत के जगह सोनीपत, रोहतक, सोनीपत, मतलब जिस भी जगह आप रहते हैं, हिसार, जींद, वो इसी का नाम दे सकते हो। स्कूल भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप स्कूल के नाम की जगह दे सकते हैं। सब्जेक्ट यानी किस बारे में है ये?
ये फुल फी कंसेशन के बारे में है, फीस माफी यानी जो सब्जेक्ट है वो भी चेंज हो जाता है, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप लिखना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद सर, जो यहाँ पर सर दे रखे है, ये सर क्या है, ये सैल्यूटेशन है। सर क्या है, जैसे प्रिंसिपल है भाई, मान लो जेंट्स है तो उसके लिए सर लिखेंगे और लेडीज है तो उसके लिए मैम लिखेंगे, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। सर क्या है, ये यहाँ पर सैल्यूटेशन है, यानी हमें क्या पता चल गया है, हेडिंग इसमें नहीं दे रखा है, सीधे क्या दे रखा है, इनसाइड एड्रेस दे रखा है, द इनसाइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस के बाद क्या दे रखा है, इनसाइड एड्रेस के बाद सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद क्या है, सैल्यूटेशन है, और सैल्यूटेशन के बाद ये जो चीज़ें लिख रखी है, ये सारा जो मैटर है, ये क्या है, द बॉडी, द बॉडी यानी लेटर की बॉडी, यानी इसके अंदर क्या क्या लिखा गया है वो बॉडी के अंदर आता है। तो क्या क्या रखा है, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास, यानी मैं नौवीं कक्षा का छात्र हूँ, ऑफ योर स्कूल, यानी मैं आपके स्कूल की नौवीं कक्षा का छात्र हूँ। माई फादर इज ए पी एन, मेरे पापा जी एक पी एन, एक चपरासी हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी दफ्तर में। हिज सैलरी इज वेरी स्मॉल, उनकी जो सैलरी है वो बहुत ही कम है। ही हैज़ ए लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, और उनका परिवार जो है वो काफ़ी बड़ा है, यानी परिवार जो है उनका क्या है, बहुत ही बड़ा है, लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, सो ही कैन नॉट पे माई स्कूल फीस, इसलिए वो मेरी स्कूल की फीस नहीं दे सकते, इसलिए वो मेरी स्कूल फीस नहीं दे सकते। आई एम गुड एट स्टडीज, भाई अब ये जो पहरा है ये चेंज हो गया, अभी ये पहरा जो है चेंज हो गया, इसलिए इसको चेंज कर दिया है, ये पहरा जो है अलग विषय से संबंधित चला गया है, इसी को चेंज कर दिया है। आई एम गुड एट स्टडीज, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ। लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, आई टॉप द क्लास इन एनुअल एग्जामिनेशन, जो वार्षिक परीक्षा हुई थी उन्हें मैंने टॉप किया था, यानी सबसे ज़्यादा अंक मैंने हासिल किए थे। आई एम द कैप्टन ऑफ माई स्कूल क्रिकेट टीम, मैं अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का क्या हूँ, कैप्टन भी हूँ, कप्तान भी हूँ। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना है, टू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, यानी आप मेरे को फुल फी कंसेशन प्रदान करें, आप मेरे को फीस माफी प्रदान करें, थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। ठीक है, ये जो डेट है ये आपकी पहले ही लिख दी जा चुकी थी, तो डेट को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेट को दो बार नहीं लिखेंगी। थैंकिंग यू के बाद जो आपके मैटर है ना, जो आपको राइट हैंड की तरफ दिखाई दे रहा है, ये मैटर आप राइट हैंड में नहीं लिखेंगे, ये मैटर आपने कहाँ लिखना है, ये मैटर यहाँ पर लेफ्ट हैंड की तरफ आपने लिखना है, समझ गई। तो आप यहाँ पर योर्स ओबीडियंटली की जगह योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि जितने भी लेटर हैं, चाहे वो क्या है भाई, चाहे वो पर्सनल लेटर हैं, चाहे वो बिजनेस लेटर हैं, ठीक है, सभी में एक ही वर्ड यूज कर सकते हो, योर्स ट्रूली। ठीक है, या अगर आप भाई बिजनेस लेटर है तो उसमें बिजनेस लेटर में, ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, योर्स फेथफुली का भी आप प्रयोग कर सकते हो बिजनेस लेटर के अंदर। तो बाकी जो प्रिंसिपल के नाम लेटर लिखा जाए, एक सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा वर्ड क्या है भाई, योर्स ट्रूली, चाहे किसी भी तरह का लेटर है उसमें आप इस शब्द को यूज कर सकते हो। भाई डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ ये जो लेटर है, ये जो योर्स ओबीडियंटली आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, द सब्सक्रिप्शन बोलते हैं इसको, ये क्या है, ये द सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन को एंडिंग भी कहते हैं, भी एंडिंग क्या करेंगे, और नीचे जैसे अमरजीत दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये सिग्नेचर के तौर पर आया है, और ये क्या है, ये इसका एड्रेस है, द क्लास कौन सी क्लास है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ लिखनी है हमने, सारी चीज़ें यहाँ पर, यानी हमने लिखनी है, कहाँ पर लिखनी है, लेफ्ट हैंड की तरफ लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये जो लेटर अभी आपको, यानी जो एप्लीकेशन है अभी करवाई गई है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप मेरे को कॉल करके भी पता कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।